साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों ये तस्वीरें देख रहे हो, बाड़मेर राजकीय अस्पताल की तस्वीरें देख रहे हो। मौके पर बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद, एएसपी, डीवाईएसपी, सदर एसएसओ सहित पुलिस का जाप्ता तैनात यहाँ पर मौके पर पहुँचा है। घटना क्या है साथियों, मैं आपको पूरी बता देता हूँ। पुलिस अधीक्षक ऑफिस में कार्यरत, पिछले करीब 3-4 सालों से कार्यरत कांस्टेबल पीरे खान, जिसको अचानक अटैक आ गया। अटैक आने के बाद स्टाफ राजकीय अस्पताल उपचार के लिए लाए। उपचार होने के बाद पीरे खान वापस घर गए। घर जाने के बाद वापस एकदम तबीयत खराब हुई, तो उसे परिवार के लोग राजकीय अस्पताल वापस लेकर आए। वापस लाने के बाद डॉक्टर ने पीरे खान को मृत्यु घोषित कर दिया। मृत्यु की जानकारी मिलते ही बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद, एएसपी, डीवाईएसपी, सदर एसएचओ सहित पुलिस का जाप्ता मौके पर पहुंचा। डेड बॉडी को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद से बात हुई है, उन्होंने क्या बताया वो सुनो आप। सदर थाना हल्के में एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें दो बड़े बड़ा वाहन और एक छोटी कार की टक्कर से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। 2 की मृत्यु की सूचना है और 1 अभी जहर इलाज। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया गया था और वाहन मौके से हटा दिए गए। एक दुर्घटना है और पुलिस अग्रिम कार्रवाई में देखी। सर आमतौर पर सड़क हादसे क्या, सर वाहन चालकों से आपकी देखिए, जो जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो इसका प्राथमिक कारण रहता है वो ये है कि तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, दूसरा लेन ड्राइविंग नहीं करते हैं। इन दोनों पे हमेशा पुलिस अंकुश नहीं लगा सकती, तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि पुलिस के डर से इन चीज़ों में सुधार ना लाएँ, बल्कि अपनी जान की कीमत को ध्यान में रखते हुए और दूसरे जो आपके साथ सड़क पर चल रहे हैं उनकी जान की कीमत को ध्यान में रखते हुए सेफ रह जाए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में क्राइम ब्रांच में हमारे कार्यरत थे एक साथी, जिनका नाम पीरे खान, उनके अभी कुछ देर पहले तबीयत बिगड़ने से अस्पताल लाए थे और अभी अभी ज्ञात हुआ है कि हृदयघात होने के कारण आकस्मिक उनका निधन हो गया है। बहुत दुखद घटना है, पूरे बाड़मेर पुलिस परिवार में एक शोक की लहर दौड़ गई। छोटे बच्चे हैं इनके और उनके परिवार को पूरे बाड़मेर पुलिस पूरी सांत्वना है। आगे भी इस परिवार की पूरी तरह से मदद करने के लिए पुलिस विभाग आतुर रहेगा, अग्रसर रहेगा।